बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहू। मैं रशीदुल ज़फर और उर्दू विद रशीदुल ज़फर में आज जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मौजू है स्टूडेंट्स, वो है नहम जमात उर्दू सिलेबस सीरीज गज़ल नंबर एक मीर तकी में। और मेरे सामने निसाब की जो किताब पढ़ी है उसमें आपकी ये गज़ल नंबर एक है, आपकी चार गज़लें हैं सिलेबस में और उसमें मीर तकी मीर जो है वो उसमें पहली गजल है। जारी बात है कि मीर तकी मीर गजल के बादशाह 1723 में पैदा हुए और 1810 में जो है इनका इंतकाल हुआ मीर तकी मीर का। फ्रेंड्स, मीर तकी मीर जो है इनका नाम था और मीर इनका तखल्लुस था और नाम इनके वालिद का नाम जो है वो मीर अली मुत्तकी था। अब मैं पहले सबसे पहले इस में मैं आपको मीर तकी मीर का तारुफ करवाऊंगा। मीर तकी मीर जो है वो क्या है और उनका शायरी में क्या नाम है और किस तरह है। आगरा में इनकी पैदाइश हुई, वालिद इनके मीर अली मुत्तकी थे, आगरा में इनकी पैदाइश हुई। सैयद अमानुल्लाह से इन्होंने इब्तदाई तालीम स्टूडेंट्स हासिल की और तलाश मुआश में आगरा से ये दिल्ली आए। मीर ने बड़ी टफ लाइफ गुजारी, बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारी, इसी वजह से रंजो आलम में रहे और स्टूडेंट्स नवाब के हाँ, वहां के एक नवाब के हाँ इन्होंने मुलाजमत की। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो ये दिल्ली वापस आ गए। मैंने निकाह की सूरत में लिखा है ताकि आपके जहनों में ये बातें बिल्कुल रासिख हो जाए। खराब अमन-ओ-अमान की वजह से दिल्ली से लखनऊ आ गए और फिर नवाब आसिफ-उद-दौला के दरबार में इन्होंने मुलाजमत की। खुदाए सुखन के लकब से इन्हें याद किया जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ में तबा आजमाई की, गजल गोई में उन्होंने एक खास मुकाम जो है वो हासिल किया। मीर तकी मीर का जो असल मौजू था, जो असल टॉपिक था वो गजल था, तो गजल के बादशाह कहलाए और क्लासिकी शायर थे। खलूस दर्द तरन्नुम सादगी इनकी खास जो है वो इनकी खसूसियात थी, इनकी खूबियां थी। हम असर शौरा ने एतराफ किया, देखें जी बहुत कम शायर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी शायरी को हम असर शौरा भी मानते। मुअख्खर जिक्र जो आखिर जो फिर उसके बाद आने वाले जो शायर थे उन्होंने भी माना है। सरताज शौरा उर्दू जो है इनका इनको लकब दिया उन्होंने कहा मौलवी अब्दुल हक ने और खुद नविस्त जिक्रे मीर लिखी, एक तस्करा लिखा इन्होंने और 6 उर्दू दवाबैन स्टूडेंट्स इनके जो हैं वो शामिल हैं। और मैं ये बात कर रहा था कि मीर तकी मीर के जो हम असर शौरा थे उन्होंने उनके जो इस बात का एतराफ किया ना, तो उसमें जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स किस हवाले से किया कि उन्होंने मीर तकी मीर के बारे में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि रेख्ता जो है रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था, यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब खुद उर्दू अदब के बहुत बड़े उस्ताद शायर, खुद उर्दू अदब के बादशाह शायर हैं, लेकिन मीर तकी मीर को वो जो है वो किस कदर जो है वो मान रहे हैं और कह रहे हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर। तो हम असर शौरा में गुलाम हमदानी मसफी कहते हैं गो के तू मीर से हुआ बेहतर, मसफी मीर फिर भी मीर ही है। तो ये शायरों ने उनकी जो है वो खूब तारीफ की। खुद अपने बारे में वो कहते हैं कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ और मीर दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। तो स्टूडेंट्स आपके नहम जमात में गजल के जो अशार की तशरी आती है वो नज़म के अशार की तशरी के साथ आती है। 3 अशार भी होते हैं जिनमें से 2 आपने करने होते हैं और हर सवाल के हर शेर के 2 नंबर्स होते हैं। गजल के तारुफ के हवाले से स्टूडेंट्स मैं बात कर दूं तो गजल किसे कहते हैं, लुगत में गजल के मानी औरतों से बातें करना, यानी कि सुखनबाज नान गुफ्तगू और औरतों की बातें करना। मतलब अब देखें कि इस्तिलाह में गजल जो है वो शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न इश्क के मौजूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो गजल आपके सिलेबस में शामिल होती है इसका मकसद जो है वो ये होता है, इसका जो मेन मुद्दा ये होता है कि गजल आप ताकि चीजों को समझ सकें, चीजों को एक्सप्लेन कर सकें और रंजो गम और जज्बात को जो है वो समझाना और समझना सीख सकें। गजल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासिर मौजूद होते हैं, गजल में मखसूस अलामतें भी इस्तेमाल होती हैं
जैसे कि तशबीहात और इस्तारात इस्तेमाल होते हैं। मीर तकी मीर की जो ये गजल है स्टूडेंट्स, ये तशबीहात यानी कि सारी इसमें तशबीहें हैं और ये तशबीह के अंदाज में इस्तेमाल हुई है। तशबीह को भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तशबीह मैं आपको इसमें बताऊंगा भी कि कौन से शेर में कौन सी तशबीह जो है वो कैसे इस्तेमाल किया है, किसको तशबीह के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली तशबीह किसे कहते हैं? तशबीह कहते हैं किसी चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देना, यानी मुशाबे करार देना। अब वो मुशाबे क्या होता है? मुशाबे क्या होता है कि आप इसे कह सकते हैं कि जब किसी चीज को किसी दूसरी की मानित करार दिया जाए उसकी मुश्तरक खसूसियात की बिना, जब आप किसी चीज को उसकी मुश्तरक खसूसियात की बिना पे दूसरी चीज की मानित करार दें तो ये तशबीह कहलाती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो शायर होता है बड़ा शायर वो हमेशा तशबीहात इस्तारात और तलमीहात और इल्म बयान और सनतों के इस्तेमाल से अपनी शायरी को रंग देता है। तो हम लोग इसको आगाज करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो पहला शेर है वो हम लोग पढ़ते हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हस्ती जो है वो जिंदगी को कहा गया है, जिंदगी, ठीक है। हस्ती अपनी हबाब यानी कि जिंदगी जो है वो पानी के बुलबुले की मानिंद है। कीसी का मतलब है मानिंद, यह हरफ तशबीह इस्तेमाल हुआ है यानी कि कीसी है। जिंदगी अपनी हबाब की सी है यानी जिंदगी को उसने किससे तशबीह दी? पानी के बुलबुले से। और ये नुमाइश, ये जो सारा दिखावा है, ये जो सारा कुछ नजर आता है, ये शराब है, धोखा है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की हैसियत जो है वो कुछ भी नहीं है, जिंदगी की क्या हैसियत है, ये सारी नमूदो नुमाइश है, ठीक है। और इंसान की जिंदगी एक बुलबुले की मानिंद है और जो कुछ भी नजर आता है एक धोखे की मानिंद, ये सब कुछ एक धोखा है। तो अब कैसे इसको कैसे कहा जा सकता है? देखिए जिंदगी कितनी बड़ी बुलबुला जो है, अब बुलबुले में क्या खास बात होती है? बुलबुला जो है एक खूबसूरत नजर आता है, जिंदगी भी खूबसूरत नजर आती है बच्चों। और बुलबुले के पीछे बच्चे भागते हैं, जिंदगी के पीछे भी बच्चे भागते हैं, ठीक हो गया। और बुलबुला जो है वो उसकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, किसी वक्त भी खत्म हो सकता है, कोई जिंदगी भी किसी वक्त खत्म हो सकती है, कोई पता नहीं। बच्चों की भी कब्रें होती हैं, बड़ों की भी, इतनी भी कब्र है, इतनी भी कब्र है, इतनी भी कब्र है, जिंदगी का कोई पता नहीं। कब्रिस्तान में चले जाए, छोटे बच्चे की भी कब्र है, बड़े बूढ़े की भी कब्र है, जवान की भी कब्र है, शहजादे की भी कब्र है, डॉक्टर की भी कब्र है, इंजीनियर की भी कब्र है, उस्ताद की भी कब्र है, और जितने मजदूर पेशावर जो भी बड़े बड़े बादशाह है उनकी भी कब्रें हैं। तो जिंदगी की हैसियत और औकात जो है वो कुछ भी नहीं है, ये मीर तकी जो है वो कहना चाह रहे। तो स्टूडेंट्स जिंदगी बेसिकली एक पानी का बुलबुला है और कितना रंगीन नजर आता है, कितना खूबसूरत नजर आता है, सब उसके पीछे भागते हैं बच्चे, लेकिन जब वो पकड़ते हैं तो उसकी हैसियत कुछ भी नहीं और पता भी नहीं चलता वो कहां चला गया है। तो इंसान को आइडिया ही नहीं है कि उसके अगले पल का, उसकी अगली सांस का। स्टूडेंट्स तो हस्ती अपनी हबाब की सी है, जो जिंदगी है वो एक हबाब है, एक पानी का बुलबुला है। खाक ज़ादे तेरा गुमा क्या है, बस के पानी का बुलबुला है। वो कहते हैं ना, है तो ये ताज सारे, ये तख्त सारे, मिलेंगे मट्टी में बख्त सारे, और यहां से जाना है सबको एक दिन, यहां से बांधेंगे रक्त सारे। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सा फातिर बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे, हुए नाम बर बेनिशान। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मीर तकी मीर जो है वो रंजो गम के शायर थे, और रंज और गम उनकी जिंदगी में उनके बचपन से आया। उनके भाई, उन्होंने भाई की बेमुरब्बती देखी, उन्होंने चचा की बेमुरब्बतियां देखी, उन्होंने वालिदैन के मरने के बाद रोजगार की मुसीबतें देखी, रोजगार के मसाइल देखे, तो गम उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो आ गया था। तो लिहाजा वो कहते हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, कि जो कुछ भी हमें नजर आता है वो धोखा है,
सब चीजें खत्म होने हो जाने वाली, जिंदगी फना हो जाने वाली है। और ये बात एक ऐसा शायर कर रहा है जो जिंदगी की हकीकतों से जो है वो आशना है। अब ये शराब क्या होता है स्टूडेंट? शराब आपको पता है कि आप काफले जा रहे होते थे तो सामने गर्मियों में अमूमी तौर पे ही नजर आता है, वही जून के महीनों में भी और आम तौर पे भी, कि सड़क पे जाते हुए हमें पानी नजर आता है आगे, वो शराब होता है, वो आंखों का धोखा होता है। काफले समझते हैं यहाँ पे पानी आने लगा, आगे पानी है वो पड़ाव डालेंगे, लेकिन क्या होता है जी, आगे जाते हैं पानी का नामो निशान नहीं। तो ये सब वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ हमें नजर आ रहा है, देखिए जीता जागता बंदा हमारे साथ से चला जाता है और हम समझते हैं हमें यकीन नहीं आता, आंखों पे यकीन नहीं आता, मंजर खराब हो जाते हैं, चीजें सूरज इतनी से आके खत्म, इतना जबरदस्त दिन निकलता है और उसके बाद रात हो जाती है। तो ये सब आंखों का धोखा है, ये सब चीजें फना हो जाने वाली है, सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो बाकी रहे। कुल्लू मन अलैहा फान। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि शायर ने एक बहुत बड़ी बात की है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, जिंदगी जो है वो पानी का बुलबुला है और ये नुमाइश, ये दिखावा जो है, ये सारे का सारा धोखा है। इंसान की जिंदगी, मैंने मफहूम भी लिखा हुआ है, इंसान की जिंदगी एक बुलबुले की मानद है और जो कुछ भी नजर आता है धोखे की मानद है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस शेर में तशबीह स्टूडेंट्स इस्तेमाल, ठीक है, ये तशबीह है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की है। स्टूडेंट्स देखे गुलाब की सी है, ये देखे नाज की कहते हैं नजाकत को, ठीक है, नजाकत, नजाकत नाजनीनों के बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। अब देखिए जो मीर तकी मीर हैं, उन्होंने जो है इश्क हकीकी में भी शायरी की, उन्होंने इश्क मजाजी में भी शायरी की। अब ये इश्क मजाजी में शायरी है, जाहिर बात है कि एक महबूब अल्लाह ताला है और एक महबूब जो है वो है जो फना होने वाला है, जैसे कि फानी दुनिया की जो जितने भी लोग हैं उनसे मोहब्बत जो है वो फानी। नाज की उसके लब, लब कहते हैं स्टूडेंट्स होंठ को, ठीक है, होंठ की क्या कहिए, यानी कि उसकी मैं क्या तारीफ करूं, अपने महबूब के होंठों की मैं क्या तारीफ करूं, क्या कहने, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहने, भाई वाह। वो कहता है मेरे महबूब के होंठों की मलायमत। चूंकि स्टूडेंट्स एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि शायरी जो है वो हुस्न और इश्क पर मबनी होती है और महबूब के हुस्न की तारीफ की जाती है, तो हुस्न में लब एक खसूसी अहमियत के हामिल चूंकि होते हैं, तो लिहाजा जो जो आशिक होते हैं, ये शायर होते हैं, ये अपने तौर पे उसकी भी तारीफ करते हैं। जारी बात है जज्बात हर किसी के होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें और उन जज्बा हमारे जज्बात और फीलिंग्स में मौत का डर भी मौजूद है और हुस्न और इश्क की तारीफ भी मौजूद है। तो वो नाजुकी, नजाकत, मलाइमत, उसके लब की क्या कहिए, उसके किसके, महबूब के, ठीक है। पंखड़ी पत्ती, गुलाब की पत्ती, एक गुलाब की सी है, जैसे कि गुलाब की पत्ती सुर्ख होती है और गुलाब की पत्ती नरम होती है, मलाइम होती है, तो लिहाजा वो अपने महबूब की, देखें तशबीह तब दी जाती है जब किसी ऐसी चीज से जो कि आम हो, जैसे चांद, माँ ने कहा मेरा बेटा चांद जैसा है। अब चांद से सब वाकिफ है लेकिन माँ के बच्चे से सारे वाकिफ नहीं है, तो जो बेटे से वाकिफ भी नहीं है उसको भी पता है कि मेरा बेटा चांद जैसा खूबसूरत, अच्छा उसका बेटा चांद जैसा खूबसूरत है, उसके लब जो है वो गुलाब की पंखड़ी जैसे हैं, इसका मतलब है अच्छा उसके लब खूबसूरत है, जैसे कि बच्चे के होंठ जो होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं और बड़े मुलायम होते हैं, हाथ मुलायम होते हैं। तो उसने उसकी मिसाल दे दी, उसने उसकी मिसाल दे दी कि जो लब है वो उसके इतने खूबसूरत हैं कि गुलाब की पंखड़ी जो है वो महसूस होती है, ठीक है। तो पंखड़ी कहते हैं पत्ती को, ठीक है, गुलाब की वो पत्ती जो उसने जो है खूबसूरत होती है और वो उसकी मिसाल दे रहा है। तो मफहूम है इसका कि महबूब के होंठों की मलायमत और नजाकत के बारे में मैं क्या कहूं कि ये गुलाब की पत्ती जैसे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी तशबीह जो है इस्तेमाल हुई है, मैंने आपको बताया था कि तशबीह जो है वो सारे शेरों में इस्तेमाल हुई है और आप इसको लिखेंगे भी, अपने तशरीह करते हुए आपने इसको लिखना भी है। आपने पहले तशरीह का तरीका भी इंशाल्लाह जल्द मैं अपने किसी लेक्चर में बताऊंगा कि नहम लेवल पे गजल की तशरीह कैसे की जाती है, आपने उसको भी अच्छे तरीके से नोट कर देना, ठीक है। वो मैं छोटा सा लेक्चर, मुख्तसर लेक्चर उस पर बनाऊंगा कि नज़्म की तशरीह कैसे करनी है, गजल की तशरीह कैसे करनी है। तो महबूब के होंठों की मुलायमत नजाकत के बारे में क्या कहूँ कि गुलाब की पत्ती की मानिंद है। तीसरा शेर स्टूडेंट्स है इसका कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहां की औकात ख्वाब की सी है। स्टूडेंट चश्मे दिल कहते हैं दिल की आंख,
अब चश्म कहते हैं आंख को, ठीक है, चश्म कहते हैं आंख को, और दिल, दिल की आंख, खोल यानी के देख, खोल के देख उस भी आलम पर, आलम दुनिया, किस आलम पर, इस आलम तो ये वाला, उस आलम यानी के आखिरत, ठीक है। यहां का, ये यहां का मुखफ्फ है तो ये इसका मतलब है यहां की औकात, इसका मतलब है हैसियत, यहां की जो हैसियत है वो एक ख्वाब है। स्टूडेंट्स देखें, आप एक ख्वाब देख रहे होते हैं और जब आप उस ख्वाब से उठते हैं तो सब एकदम आपको जहन में आता है कि ये तो सब, जैसे आप ख्वाब देख रहे होते हैं, मैं वहां तो एकदम मम्मी आपको उठाती है बेटा स्कूल जाना है, तो वो जो टूटती है आपके अंदर एक चीज, ऐसी ही दुनिया की जिंदगी जो है, और इंसान को उस वक्त पता लगना है जब कब्र में उसकी आंख खुलनी है और जब अगले जहान में उसकी आंख खुलनी है। तो स्टूडेंट्स एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि शायर कहता है दिल की आंख से देखो। स्टूडेंट्स देखें, हम दुनियावी आंख से यानी इस आंख से, जाहिरी आंख से आखिरत के मनाजिर, जन्नत जहन्नम नहीं देख सकते, लेकिन जब हम दिल से सोचते हैं, जैसे आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि आप आंखें बंद करें और किसी का भी, अपनी खाला का, अपने मामू का, अपने नाना का, अपने दादी का, दादा का घर तसव्वुर करें तो आपके जहन में वो सारा मंजर आ जाएगा। आप अगर कहीं मरी का गान नरान गए हुए तो आपके सामने वो मंजर आ जाएगा। आप किसी बेहतरीन कोई अपना बचपन का दौर याद करना चाह रहे हैं तो वो मंजर आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं दिल की आंख, ठीक है। तो जो जाहिरी आंख है उससे आप नहीं देख सकते, आप आंखें बंद करें आपके सामने वो चीज आ जाएगी। तो ये चश्मे दिल यानी कि आंखें बंद करके हम किसी चीज का भी लुत्फ ले सकते हैं, जन्नत का, हम लोग कह सकते हैं कि आखिरत में क्या होगा, अच्छा ये मनाजिर होंगे, हमारे ज़हन में एक दिल एक मंजर बनाना शुरू कर देगा। तो शायर कह रहा है कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, उस आखिरत के आलम पर, यहाँ की औकात, इस दुनिया की हैसियत जो है वो तो एक ख्वाब है, जैसे एक ख्वाब इंसान ने देखा और उसके बाद वो उठ गया, उसके बाद वो वापस ख्वाब में। आपको पता है कई दफा हम वापस छोटे होते थे तो वापस ख्वाब में जाने की कोशिश करते थे तो ख्वाब में वापस जाया नहीं जाता था, दिल करता था ख्वाब वहीं से शुरू हो जाए। तो इंसान भी दुनिया की जिंदगी पे पछतावा करेगा कि काश मैं वापस चला जाऊं, मैं अच्छे अमाल करूं। लेकिन तो मीर तकी मीर ये वजाहत कर रहा है कि उस जिंदगी की तरफ भी सोचो, क्योंकि आखिरत में अमले नेक ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफर, ज्यादा सफर जो है वो पैदा करो। अपने दिल की आंख से आखिरत का आलम देख, क्योंकि इस दुनिया की हकीकत ख्वाब की सी। तो स्टूडेंट्स ये अगला शेर है कि बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा उसके दर पे जाता हूं। किसके दर पे? महबूब के दर पे मैं जाता हूं, दर दरवाजा, ठीक है, दरवाजे पे जाता हूं। हालत अब इस तरह की सी है स्टूडेंट, बेचैनी, इस तरह आप कहते हैं बेचैनी, इस तरह भी कैफियत है। अब ये भी देखें, तशबीह का शेर है, ये सारे तशबीह के शेर है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, और ये भी जो है वो तशबीह का शेर है, ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, मीर तकी मीर जो है वो कह रहे हैं कि मैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है, मैं बार बार महबूब के दरवाजे पे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब इंसान मुसीबत में आता है, बेचैनी में आता है, तो अगर वो इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं तो वो अपने महबूब यानी अल्लाह ताला का दर। देखिए, हम पे जब गम आता है, हम पे जब रंज आता है, तो दो चीजें होती हैं, हम अपने सबसे ज्यादा जो महबूब और प्यारे इंसान के सामने वो गम और दुख जो है वो लेके जाते हैं। जब इंसान बेचैन होता है, देखें बच्चा जब बेचैन होता है तो वो अपनी माँ के पास जाता है, वो अपनी माँ से हकीकत बयान करता है, वो समझता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे दुख को समझेगी। तो अगर इश्क हकीकी का तसव्वुर है तो अल्लाह ताला के दर पे वो बार बार जा रहा है। जैसे हमारा रिजल्ट आने वाला हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम नमाजों पे नमाजें, मस्जिदों का जनाब, हम हर चीज, इस वजह से कि हमें अल्लाह ताला से उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला हमारी सुनेगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि शायर कहता है कि जब महबूब को बेचैनी और इस्तेराब की कैफियत आती है तो वो क्या करता है, कहते हैं ना लाजमी था कभी निसाबे वफा, अब ये मजमून इख्तियारी है, तुमसे मिलने की बेकरारी थी, तुमसे मिलकर भी बेकरारी है। तो याद रखिएगा कि बार बार और मुसलसल जाना महबूब के दरवाजे पे, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, जब आपको किसी से उल्फत होती है, जब आपके दिल में कोई रिहाइश इख्तियार कर जाता है, तो बेचैनी और कर्ब की कैफियत में, कहते ना खुशी में आपको वो याद आता है जो आपसे, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, और गम में आपको वो याद आता है जो आपसे मोहब्बत करता हो। तो ये हम इंसान की जो एक नफ्सियाती कैफियत होती है, तो इंसान जो है वो महबूब से मुलाकात
का शौक रखता है, महबूब के दीदार का शौक रखता है, महबूब के विसाल का शौक रखता है, तो उसकी कोशिश होती है कि महबूब को एक नजर देख ले, उसकी कोशिश होती है कि वो महबूब को से कुछ देर बात कर ले, हम कलाम हो जाए, गुफ्तगू कर ले और वो महबूब को कुछ देर उसके पास बैठ जाए। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। स्टूडेंट्स देखें, अब यहां एक बड़ी जबरदस्त जो है उसने उन्होंने बात की है कि मेरा महबूब मुझसे बिल्कुल जो है तगाफुल बरतता है, मुझसे गफलत बरतता है, और जिसको आप लोग कहते हैं मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। वो कहता है जब मैं महबूब के दरवाजे पे जाता हूं, जब मैं बोलता हूं तो मेरा महबूब मुझे सुन के कहता है, कहा कि ये आवाज, अब ये महबूब की बात है, उसी खाना खराब यानी कि उसी बर्बाद बंदे की है, ठीक है, किसी है। अब ये भी जो है वो तशबीह का अंसर इसमें शामिल हो गया, ठीक है, इसमें भी अब तशबीह जो है वो शामिल हो गई है। और तशबीह कैसे है जी के आ गया वही खाना खराब, जिस तरह हम लोग किसी से जब उकताहट का शिकार होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उर्दू अदब में महबूब से हमेशा महबूब हमेशा आशिक से उकताहट का शिकार होता है, क्योंकि महबूब चाह जाने वाला होता है, आशिक चाह रहा होता है, तो लिहाजा जैसे ही आशिक अपनी, क्योंकि आशिक तो मोहब्बत से भरा हुआ होता है, लिब्रेज होता है, तो उस वो तो महबूब से नहीं उकताता, उसकी ख्वाहिश होती है कि महबूब को जितना मर्जी देखे, उसकी ख्वाहिश होती है महबूब से जितना मर्जी हम फलाम हो, लेकिन महबूब जो है वो उकताया हुआ होता है। और महबूब जब उकता जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पसंद नहीं करता कि आशिक बार बार उससे राबता करे या आशिक बार बार उससे बात करने की कोशिश करे। अब आशिक कह रहे हैं कि महबूब की गली में जब मैंने सदा लगाई, जब मैं जाके महबूब को आवाज देता हूँ, जब मैं जाके महबूब की आवाज में कोई भिखारी बन के, कोई फकीर बन के, कुछ रूप धार के मैं आवाज लगाता हूँ, तो मेरे महबूब जो है वो अपने दिल में या जनरली आके कहता है कि आ गया जी फिर वही खाना खा, वही बर्बाद, वही आशिक जो है वो फिर दोबारा आ गया, वही उजड़ा हुआ शख्स, वही आवारा जो है जिसे कोई काम नहीं है, और वो फिर घर को खराब करने वाला वो आ गया। महबूब की गली में जब मैंने सदा लगाई तो वो बोला कि ये तो वही तबाह हाल आशिक है कि जो दोबारा मेरी गली में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये भी तशबीह का शेर है। अब छठा शेर इसका ये है कि आतिशे गम, स्टूडेंट्स गम की आग, गम जो है इंसान को जलाता है, आशिक आतिश कहते हैं आग को, ठीक है, और गम, गम इंसान को अंदर से अंदर खत्म करता है, जिस तरह आग लकड़ी को खत्म करती है, जिस तरह एक आग जल जाए तो वो घर की चीजों को या घर को या जंगल को या लकड़ियों को जला के राख कर देती है। तो इसी तरह गम इंसान के दिल में आ जाए, गम की आग अगर इंसान के दिल में भड़क उठे तो वो जला के राख कर देती है। अब देखिए मीर तकी मीर ने इसको कितना जबरदस्त इस्तेमाल किया, उसने कहा मेरा दिल गम, क्योंकि स्टूडेंट्स गम और खुशी के जज्बात दिल में होते हैं, खुश होता है तो दिल होता है, कहते ना मेरा दिल नहीं कर रहा इस काम को करने को, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये काम करूं। तो स्टूडेंट्स आतिशे गम में दिल भुना शायद, अब देखिए अल्फाज का चुनाव मीर तकी मीर का, दिल भुन रहा है। अब दिल भुनता कैसे, कि गम की आग है, अब जैसे बारबेक्यूज वगैरह होते हैं उसके ऊपर वो बोटी रखी जाती है, नीचे कोयले जल रहे होते हैं तो वो बोटी भुन रही होती है, तो उसकी मिसाल कैसे दे रहा है, उसकी तशबीह क्या इस्तेमाल कर रहा है कि देर से बू जो है यानी कि जो उसकी बू आ रही है वो कबाब की सी है। अब ये भी तशबीह का शेर है, ठीक है, ये भी जो है वो मशहूर तशबीह का शेर है कि दिल को एक कबाब की माने जो है वो करार दिया जा रहा है, इस तरह भुन रहा है दिल, इस तरह वो कहते ना कि इश्क का गम आफत और उस पे ये दिल आफत, या गम ना दिया होता या दिल ना दिया होता, नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमने अपने जेहन में रखनी है कि मीर तकी मीर बड़े अच्छे चुनाव से, बड़े अच्छे अल्फाज का इंतखाब करते हुए ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा दिल इस कदर जल रहा है। अब दिल जल रहा है वो तो वो जल रहा है तखयुलाती अंदाज में, मतलब दिल उस तरह तो नहीं जलता जो हकीकी तौर पे जले, लेकिन उन्होंने हकीकत को उस मजाज से जोड़ दिया, उस ख्याल से जोड़ दिया, क्योंकि गजल जो है वो एक शायर जो है वो अपने शेर को एक तखयुल को शेर की कालिम में ढालता है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि मेरा दिल इस तरह जल रहा है, और उन्होंने कहा मुझे हकीकी तौर पे उसकी बू महसूस हो रही है, जैसे वाकई तौर पे किसी कबाब को आग पे रख दिया हो और उसकी बू जो है वो सारे घर में फैली हुई हो। तो आतिशे गम में दिल धुना शायद, देर से बू जो है कबाब की किसी है, गम की शिद्दत में मेरा दिल इतना जल गया है कि बड़ी देर से कबाब के जलने जैसी बू आ रही है।
अब इस शेर का, इस गजल का मकता है। मकता कहते हैं किसी गजल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब ये देखिएगा, मीर उन नीमबाज आंखों की, उन नीमबाज यानी महबूब की नीमबाज आंखें, अपने महबूब के लबों की उसने तारीफ की थी यहाँ पे। अब वो महबूब के जो है वो किसकी तारीफ कर रहा है, यहां भुने का मतलब है जल्ला। अच्छा, तो मीर उन नीमबाज, नीमबाज अध खुली आंखें, महबूब की अध खुली आंखें यानी नींद से जागना। महबूब की हर अदा प्यारी लगती है, महबूब की उठना प्यारा लगता है, महबूब का जागना प्यारा लगता है, महबूब का चलना प्यारा लगता है, महबूब की हर अदा जो कुल पसंद होता है फिर उसका जुज भी पसंद होता है। तो वो कहते हैं ना कि मीर उन नीमबाज आंखों में, नीमबाज अध खुली आंखें, महबूब की जो अध खुली आंखों में जो खुमारी है, जो नशा है, जो फील होता है कि महबूब की आंखों को देख के जो मुझ पर नशा तारी होता है, वो सारी मस्ती जो है वो शराब की सी है। स्टूडेंट, शराब का जिक्र इसलिए करते हैं, ये एक मशरूब है और ये इस्लाम में मना है, इस्लाम में तो इसकी ममानियत है, लेकिन शराब पी के इंसान पे एक ऐसा नशा तारी हो जाता है कि उसके आसाब शल हो जाते हैं और वो एक मस्ती की कैफियत में आ जाता है, यानी कि जिस्म जान से आजाद हो जाता है और मस्त जिस तरह कोई गम कोई क्या। तो कहते हैं महबूब की आंखों को देख के मुझ पर वही नशा तारी होता है और मुझ पे वही कैफियत तारी हो जाती है जो कि शराब पीकर तारी होती है, क्योंकि उस दौर के जो शायर थे, जो इंडिया के शायर थे, उस दौर में शराब एज अ कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर में आम थी, अभी भी है, और उस कल्चर में शराब पी जाती थी, तो शायर चूंकि शराब का हवाला दे देते थे। तो मीर उन नीमबाज आंखों में, अब ये भी तशबीह का शेर है, इसमें शराब से जो है वो आंखों को तशबीह दी गई है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी मैंने लिखनी है। और मीर उन नीमबाज आंखों में यानी कि अध खुली आंखों में, ठीक है, सारी मस्ती जो है वो शराब की सी है। तो आंखों की मस्ती के पे वो शेर भी है, मैंने हवाला जात में लिखा हुआ है कि खिलना कम कम कली ने सीखा है उसकी आंखों की नीम खाबी से। तो स्टूडेंट्स, ये गजल थी और इसमें मैंने हवाला जात भी लिखे हैं, यूनिक हवाला जात है कि खाक जादे तेरा गुमा क्या। पहले शेर का जो हवाला है वो ये है कि खाक जादे, क्योंकि आपने जब तशरीह करनी है तो तशरीह में एक अदद या एक या दो आपने हवाला जात जरूर लिखे हैं। खाक जादे तेरा गुमा क्या है, बस के पानी का बुलबुला है तू, बस के चूंके। और दूसरे शेर का हवाला है कि नाज की खत्म है उनपे कि वो फरमाते हैं, फर्श मखमल पे मेरे पांव छिले जाते हैं। और उसके बाद है कि दुनिया है ख्वाब, हासिले दुनिया ख्याल है, और इंसान ख्वाब देख रहा है ख्याल में। तो ये मैंने यूनिक हवाला जात आपके लिए तलाशे हैं। तुमसे मिलने की बेकरारी थी, तुमसे मिलकर भी बेकरारी है, और ये चौथे शेर का जो है हवाला जात इसमें मौजूद है। और मेरा शोर सुन के जो लोगों ने कहा देखिए तो कहे है क्या, जिसे मीर कहते हैं साहिबो ये वही तो खाना खराब है। और छठे शेर का है कि एक इश्क का गम आफत और उस पे ये दिल आफत, या गम ना दिया होता या दिल ना दिया होता। और सातवें शेर का है कि खिलना कम कम कली ने सीखा है उसकी तेरी आंखों की उसकी आंखों की नीम खाबी से। तो स्टूडेंट्स, ये थे मीर तकी मीर, जो कहते हैं कि अव्वल तो मैं सनद हूँ फिर ये मेरी जुबां है, इस फन में कोई बेतह क्या हो मेरा मुआरिज, अव्वल तो मैं सनद हूँ फिर ये मेरी जुबां है। तो मीर तकी मीर जो है वो गजल के बादशाह हैं, और मैंने ये कोशिश की है कि बहुत मुख्तसर और जामे अंदाज में आपको जो है इस हर शेर का कॉन्सेप्ट जो है, हर शेर का वो माफ़ ज़मीर जो है मैं आप तक पहुंचा दूं। तो स्टूडेंट्स, ये नहम जमात और दहम जमात और साले अव्वल और साले दोम की उर्दू सिलेबस सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द तमाम लेक्चर्स आ जाएं, और देखते रहिए, यूं ही पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।